सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है सैमसंग गैलेक्सी M15 5G मोबाइल और दोस्तों आप इसमें जाते हो किसी भी पर्सनल ऐप को हाइड करना, तो दोस्तों ऐप को हाइड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप्स स्क्रीन पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन हाइड करना है उस पर आपको टिक करना है। इस तरह से टिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे नीचे डन का ऑप्शन दिखेगा, डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो सक्सेसफुली वो एप्लीकेशन आपकी हाइड हो जाएंगी। जो एप्लीकेशन आपने हाइड किया वो आपकी होम स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये तो बात एप्लीकेशन को हाइड करने की। अगर दोस्तों आपको अनहाइड करना है फिर से, तो आपको जाना है फिर से सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से होम स्क्रीन में फिर से दोस्तों आपको होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में जाने के बाद आपके यहाँ पे हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप्स स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से आपने जो भी एप्लीकेशन हाइड किया वो यहाँ पे मिलेगी। इसको आपको अनहाइड करना है तो एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे माइनस का निशान रहेगा रेड कलर में, उस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कर दोगे वो और यहाँ पे नीचे डन पे क्लिक करना। डन पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन जो है अनहाइड हो जाएंगी, आपके होम स्क्रीन पर फिर से आ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी M15 5G मोबाइल में ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।